गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्रिसेंथिमम का कटिंग। तो कल फ्रेंड्स शाम को हमने क्रिसेंथिमम का कुछ कटिंग्स को लगाया ही, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और रात भर में ये अच्छे से लग भी गया है फ्रेंड्स। तो कल शाम को ही फ्रेंड्स मैंने लगाया था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं बना देती हूँ। तो इतना सारा क्रिसेंथिमम का कटिंग फ्रेंड्स, काफ़ी लेट हो गए हम कटिंग को लगाने में, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे दोस्त कटिंग को रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो बड़े भी हो गए हैं। तो देख सकते हैं कि इतना सारा हमने कटिंग लगाया है। तो सितंबर माह में फ्रेंड्स कटिंग्स को आप लगाएं, क्योंकि बहुत अच्छे से कटिंग लगता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अरेलिया का कटिंग हमने लगाया है, और ये टिकोमा ऑरेंज, और ये दो येलो हमने लगाए हैं, और ये मनी प्लांट फ्रेंड्स पानी में हमने लगाया है। तो मैं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त बोलते हैं कि मनी प्लांट को लगाना इतना आसान नहीं है और पानी में नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो मैं अभी दिखाऊँगी कि मनी प्लांट को लगाना कितना आसान है। और ये सब फ्रेंड्स पत्तियों को ही हमने लगा दिया है, ये जो अरेलिया का पत्ती निकला था जो हमने साइड साइड से कटिंग किया था, ये आप देख सकते हैं, ये जो अरेलिया की साइड से जो नीचे की पत्तियों को हटा के जब हम प्लांट लगाते हैं तो ये इतनी सारी पत्तियां निकली थी, तो मैंने इसे भी लगा दिया फ्रेंड्स। और ये दो फ्रेंड्स, ये पता नहीं कौन सा है फ्रेंड्स, मैं नर्सरी से लेके आई थी इस प्लांट को, तो इसका भी कटिंग लगाया है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट, तो लगने के बाद ही पता चलेगा। और क्रिसेंथिमम को फ्रेंड्स मैंने दो तीन बार लगाया और बारिश की वजह से सब खराब हो गया। तो कल मैंने सोचा कि अब मौसम अच्छा हो गया है और इस मौसम में ही ज़्यादातर कटिंग को लगाना चाहिए फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर में, और इस एक महीने में हमारा कटिंग बहुत अच्छे से लग जाएगा, फिर हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, ये सभी देखिए कटिंग ही है, ये देखिए डेट्स को लगाया था, सब निकल आया है, और ये गुड़हल की कटिंग छोटी छोटी सी सबको लगा दिया है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि कौन कौन सा लगता है। तो आप भी इस समय कटिंग को फ्रेंड्स अब लगा लें, क्योंकि बरसात में तो बहुत सारे दोस्तों की कटिंग ख़राब भी हो गई होगी और बहुत सारे दोस्तों की लग भी गई होगी फ्रेंड्स। मेरी भी क्रिसेंथिमम तीन चार ही लगी है और बाकी सभी खराब हो गए हैं फ्रेंड्स, और बाकी कटिंग्स फ्रेंड्स लग गए हैं, उनका अपडेट मैं आपको दूंगी। केवल क्रिसेंथिमम और बेबी सनरोज और अजवाइन का प्लांट, ये सभी खराब हुआ है, जो कि जिन प्लांट्स को पानी कम चाहिए वो सब प्लांट्स खराब हुए हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मनी प्लांट को कितना लगाना आसान है, कि एक मेरी दोस्त ने बोला है कि मनी प्लांट को फ्रेंड्स लगाना इतना आसान नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना लगाना इसको आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, और कल ही मैंने सबके पानी को बदला है, और मैं आरओ वाटर में ही ज़्यादातर लगाती हूँ। आप आरओ वाटर या तो फिर बरसात के पानी में लगा सकते हैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर मिट्टी में नहीं लगता है फ्रेंड्स, तो ऐसे पानी में लगा के और उसके बाद आप मिट्टी में लगाएं, आप देख सकते हैं, तो बहुत आराम से और किसी से भी लग जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ऐसा ऐसा पॉट्स मैंने बहुत सारा तैयार किया है, और इंडोर आउटडोर दोनों जगह ही रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और इजी टू केयर प्लांट है। बस केवल इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, पानी को एक आध हफ्ते में बदल दीजिए और पत्तियों को साफ कर दीजिए जब पानी बदलिए तो, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन को, हमारे घर को बनाता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान है कटिंग्स को लगाना, मनी प्लांट्स को पानी में ग्रो करना, मिट्टी में ग्रो करना, और मैंने बहुत सारा ही लगाया है फ्रेंड। तो चलिए
ये पानी मैंने लिया है और इस टाइप का मनी प्लांट जो है, तो नीचे की पत्तियों को हटा के इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से सारे पत्तियों को हम हटा लेंगे और इतना हम हटाएंगे कि ये जो है हमारा इसमें अच्छे से आ सके फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम ऐसे ही ढेर सारे पत्तियों को हटा के फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी मनी प्लांट्स को हमने पत्तियों से, नीचे के पत्तियों को रिमूव कर दिया और सबको पानी में डाल दिया, ये देखिए। और इसमें फ्रेंड्स, आजकल बरसात का मौसम है तो पत्तियों में रूट्स भी बहुत था, तो इसको लगने में तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें रूट पहले ही से था। नीचे तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ब्रांच में, बहुत सारे में रूट्स हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा जो बड़ा था तो मैंने उसे कट कर दिया था, तो इसे हम मिट्टी में लगा देंगे। तो ये देख रहे हैं, रूट्स भी है और नोड एरिया है, तो सभी को हम लगा देंगे फ्रेंड्स मिट्टी में, तो हमारा ढेर सारा प्लांट तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसे अभी हमने निकाला है प्लांट से, तो थोड़ा सा ये स्ट्रेस में है, लेकिन ये कल तक बहुत ही अच्छा से स्टैंड हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ढेर सारे प्लांट को ऐड करें और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, वैसे ही ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मनी प्लांट्स को भी लगाना बहुत ही आसान है, आपने देखा कि पानी में लगा दें या तो इस समय तो मिट्टी में ही डायरेक्ट लेके लगा दें, क्योंकि बरसात में बहुत सारे उसमें रूट्स निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। नीचे को जो हैंग कर रहे हैं उसे ही निकाल के हमने लगाया है। तो कहते हैं मनी प्लांट उसको ज़मीन में नहीं छूना चाहिए, तो जब भी बड़ा होता है मैं उसे कट कर देती हूँ फ्रेंड्स, या तो फिर उसको ऊपर ले जाके बांध देती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने आज इतना सारा लेके लगाया है कटिंग्स को फ्रेंड्स। तो आप भी, सितंबर शुरू हो गया, 6 सितंबर हो गया है फ्रेंड्स, तो कटिंग्स को लगा लें, फिर इसके बाद हमें इसकी रिपोर्टिंग भी करनी रहेगी, पिंचिंग करनी रहेगी, बहुत सा काम है। और देखते ही देखते ठंड भी आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए, इतना सारा प्लांट्स को हमने लगाया है और हर दिन मैं करीब 10-15 प्लांट्स को लगाती रहती हूँ फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा लगा दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि अरेलिया की वजह से ये ट्रे कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ प्लांट्स को ख़रीदा है, तो उसे मैंने दिखाया था लेकिन उसका प्राइस नहीं बताया था, तो कितने में मिला है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फीस पाम को फ्रेंड्स, फीस एरिका पाम इसे बोलते हैं, तो ये कितना हेल्दी प्लांट है, और ये मुझे 200 में ही मिला है, 250 वो बोल रहे थे और 200 में दिए, और कितना बड़ा और कितना हेल्दी प्लांट है आप देख सकते हैं। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो इसे मैं आज शाम को रिपोर्ट करूँगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस स्पॉट में मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है फ्रेंड्स। तो ये मुझे 200 में मिला है फ्रेंड्स। और इस एक्जोरा को भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितने मिला है फ्रेंड्स। तो 250 में 5 प्लांट मुझे मिला था, तो शायद ये 80 रुपये का मिला था फ्रेंड्स, और ये भी बहुत ही हेल्दी प्लांट है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी है। और अगला हमारा ये अलमांडा है, जो कि मैरून कलर का है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी हेल्दी है, तो ये भी मुझे 80 रुपये में ही मिला था, देख सकते हैं। और अगला फ्रेंड्स, ये इसका नाम भूल रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये भी शायद 80 रुपये में ही दिया था उन्होंने, तो इन सबको तो रिपोर्टिंग मैंने कर दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। और ये दो विनका, ये मैंने 20-20 रुपये में लिया था, इसकी देखिए एक इस कलर की फूल है, जो कि ये देखिए फ्रेंड्स गिर गया है, तो ये देखिए इस कलर का है और एक इस कलर का है फ्रेंड्स,
तो इनका भी आ गया है, ठंड का भी फ्लावर्स आ गए हैं बहुत सारे, तो ये 20-20 में मिला है फ्रेंड्स। तो ये 450 में 6 प्लांट मुझे मिले हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये सब प्लांट हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो कटिंग्स की और प्लांट शॉपिंग की भी, तो आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और पहली बार हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।